चंद्रावती है और यूपी के रहने वाले हैं, ये बता रहे हैं कि 20 सालों से दोनों कानों में इनके खुजली होती थी और अक्सर ये अपने कानों को इतना खुजलाते थे कि कानों में जख्म हो जाते थे, पस निकलती थी, कान बुरी तरह से पक जाते थे, जिनके कारण इन्हें सुनाई देना भी बिल्कुल ना मात्र हो चुका था। और ये बता रहे हैं कि संडे को 30 जून को जब चंगेरा चर्च में थे, मम्मा आपने इनके लिए लेहन प्रार्थना करी और उसी दिन के बाद इन्होंने ठंडे पानी पिए हैं, 4 दिन से पूरी खुजली गायब है, कोई पस नहीं है, कोई जख्म नहीं है। हालेलुया। 20 साल की समस्या से परमेश्वर ने एक स्पर्श के द्वारा इन्हें आजाद किया। सुनाई भी सही दे रहा है आपको, बिल्कुल क्लियर सुनाई देता है। पास्टर जी, इस भाई का नाम किशन कुमार है, पीर मशाला से डेरा बसी में रहते हैं। ये भाई बता रहे कि 12 सालों से सिगरेट का नशा करते थे और हर रोज 10 सिगरेट पी जाते थे। ये भाई बता रहे जब तक नशा नहीं करते थे, सिगरेट नहीं पीते थे, इनको बेचैनी सी रहती थी। 2020 में इनको किसी ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में बताया और ये चर्च में आए, लगातार संगति में बने हुए थे। जब आप प्रार्थना करते थे कि नशे की दुष्ट आत्माएं आपको छोड़ कर जा रही है, तो ये विश्वास से अपने लिए रिसीव करते थे। 4 साल हो चुके हैं। मास्टर जी, भाई का नाम सन्नी है, ये मुबारकपुर से है। हाँ। ये बता रहे कि जब ये 13 साल के थे तब से इनकी नाक से खून बहता था। हाँ। बता रहे हर 3 घंटे बाद पूरा खून से भर जाता था और बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। और बता रहे उसके बाद 2018 में किसी ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और ये यहाँ आए। और ये बता रहे है कि उसके बाद 3 साल हो चुके, ये ठीक हो गए। फिर आपको चर्च के बारे में बताया, आप यहाँ आए, आपके लिए प्रार्थना हुई और उसके बाद अब 3 साल हो गए। 3 साल से ऊपर हो गए जी, ऊपर हो गए 3 साल से, कभी खून नहीं बहा। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रजनी है और मैं गांव बरनाला की रहने वाली हूँ, अम्बाला की। और मेरी सबसे बड़ी गवाही ये है कि मेरे पति 10 साल से नशे की लत से जूझ रहे थे और उसमें मेरे पति हर टाइम नशे में रहते थे और ना खाना खाते थे, सिर्फ और सिर्फ शराब पीना, जितनी पीते जैसे नशा उतरना फिर दोबारा पी लेनी। इतनी शराब पीने से मेरे हस्बैंड का जो है लीवर बिल्कुल ख़राब हो चुका था। उसके बाद सिस्टर, मैं अपने हस्बैंड को मैंने कहा भी देखो मैं तो प्रभु में हूँ और प्रभु मुझे पता है, मेरा प्रभु चंगाई देने वाला है, आप एक बार मेरे साथ चर्च चलो। ठीक है, तो मैं अपने हस्बैंड को 2023 में चर्च लेके आई 11 महीने में। अच्छा, हाँ जी, चर्च लेके आई तो हम नियंत्रण संगति में बने रहे, मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे। मैंने घोषणा की राइट नाउ, अभी इसी समय आपकी किडनियां, आपके लीवर जो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, मैंने बोला स्वर्ग दूत आपकी सर्जरियां करें। अब मेरे पति बिल्कुल चंगे हैं। मेरा नाम नरिंद्रा, मैं सुबरी की रहने वाली हूँ। मेरे घर वाले की गुहाई है यो, जो 20 साल से शराब का नशा करे था। तो घर में हमारा इतना क्लेश था ना, भी मैं परेशान थी, मैं हर वक्त रोए करा थी। तो मनु किसी बहन ने बताया अभी तो प्रभु के घर में जा, अभी प्रभु इन चंगा करेगा। तो मैं प्रभु के घर में आई तो 19 फरवरी नु मैं आई, मम्मा ने इसके ऊपर ले हैंड प्रेयर करी 19 फरवरी नु। तो उसके बाद में इन्हें बिल्कुल शराब नहीं पी, उसी दिन इसकी शराब छूट गई थी, प्रभु ने इसने चंगा कराया। मेरी गुहाई ये है कि मैं 9 साल से मुझे सफेद पानी बहने का रोग था, तो मैं कहीं आ जा नहीं सका थी क्योंकि हर वक्त मेरे कपड़े खराब हो जाते थे, तो मुझे बार बार बाथरूम में जाना पड़ता था। तो मम्मा ने मेरे ऊपर ले हैंड प्रेयर करी तो मेरा जो सफेद बहने का रोग था, पानी बहने का रोग था, वो पूरी रीति से मैं चंगी हो गई। मुझे पता भी नहीं चला भी कब वो रोग मेरा चला गया। मेरा नाम भूपेंद्र है और मैं यूपी मुरादाबाद से हूँ। ये करीब 10 सालों से इनका सर जकड़ा हुआ था बुरी तरीके से और इनके सर में इतना बेहिसाब दर्द होता था कि दिन में 5-6 बार ये दवाई खाती थी सर दर्द की। जब 9 जुलाई 2023 के 23 को जब यहाँ पे आए थे कंचन मित्तल मिस्त्री, तो उसी दिन ले हैंड हुआ, तो जो पैरों का दर्द और सूजन थी वो भी गायब हुई और जो सर का दर्द और जकड़न थी वो भी पूरी तरीके से आज़ाद है। अब इनके सर में कोई दर्द नहीं है, कोई जकड़न नहीं है, ना ही पैरों में दर्द है, ना ही सूजन है, पूरी तरीके से आज़ाद है। मेरा नाम सीमा है, मैं MP से हूँ। 32 साल से मुझे प्रॉब्लम थी, मेरे प्राइवेट जगह में फोड़ा हो गए थे मगर अब हावी नहीं होते थे, लेकिन अभी 10-12 दिन से मेरे को वो फोड़े ऐसे अचानक निकले, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई और मैं यहाँ पर आई ये चंगेरा चर्च में और यहाँ लैंड हुआ गुरुवार को और लैंड परमेश्वर के दास ने मुझे किया, मैं फ्री हो गई। मेरा नाम पूनम प्रजापति है
और मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मेरे जीवन की मैं अद्भुत गवाही बताने जा रही हूँ। मुझे 2 सालों से कमर में प्रॉब्लम थी और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि आपके हड्डियों में गैप आ गया है, और जिसके वजह से ना मैं चल पा रही थी ना मैं बैठ पा रही थी। और डॉक्टर ने तो ऑपरेशन ही बोल दिया था, लेकिन मैंने ऑपरेशन नहीं कराया। और मैं ऑनलाइन प्रेयर 2020 से मैं इस मिनिस्ट्री से जुड़ी थी और ऑनलाइन प्रेयर मैं देखती थी। मामा बोलते थे कि हड्डियों के गैफ भरे जा रहे हैं, दर्द जा रहे हैं, हड्डियों के रोगी चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम पे। तो मैं उन सबको रिसीव करती थी और धीरे 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 मैं प्रार्थना देखते और करते करते मैं ठीक हो गई पूरी तरह से। पहली गवाही पास्टर जी जसबीर कौर जी की है। ये बता रहे हैं कि 16 सालों से ये एक आशा वर्कर हैं और 10 सालों से इनके हाथ अचानक से मुड़ जाते थे और 16 सालों से इनके शरीर में बहुत ज्यादा भारीपन रहता था। इन्हें ऐसा लगता था जैसे बहुत भारी सामान इनके सर पर रख दिया हो। इतना ज्यादा इन्हें गुस्सा आता था कि ये अपने बच्चों को भी मारते थे और कभी अगर इनकी बहन के बच्चे घर आ जाते थे उन्हें भी पीट कर भगा देते थे। सारे कि इन्हें सुसमाचार मिला, इन्होंने प्रभु पर विश्वास किया और ये चंगेरा चर्च में आने लगे और 13 जून को प्रभु की दासी ने इनके लिए लेहन प्रार्थना की और उस लेहन के बाद आज तक ये पूरी रीति से आजाद हैं। जो 24 घंटे लीकेज होती थी वो पूरी रीति से बंद हो चुकी है। ये बता रहे कि 2009 में इनकी मैरिज हुई और मैरिज के बाद इन्हें दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। ये 24 घंटे किसी भी समय किसी भी जगह पे गिर जाते थे, बेहोश हो जाते थे और उसके बाद इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। इनके 2 बच्चे हुए और दोनों बच्चों को ये बिना वजह मारते थे। ये बताते कि उन्हें ऐसे विचार आते थे कि जहाँ खुद मर जाऊँ जहाँ बच्चों को मार दूँ। और बता रहे कि बहुत बार इन्हें विचार आया कि फांसी ले ले, पंखे से लटक जा और मर जा। और बता रहे कि 24 घंटे में फैमिली में डेली कोई ना कोई बीमार रहता था, चाहे बच्चे चाहे ये। कभी बच्चों को बुखार हो जाना, कभी ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, चिड़चिड़ापन, और इनको बुखार आ जाना तो कोई ना कोई हॉस्पिटल में ही रहता था। और ये बता रहे कि ये घर की चीज़ें तोड़ देते थे, जो इनके हाथ में आता वही उठा के मारते थे, दूसरों का भी नुकसान करते थे और चीज़ों का भी नुकसान करते थे। और उसके बाद मार्च के महीने में इनके पति को सुसमाचार मिला था और उन्होंने इन्हें बताया और ये चर्च लेकर आए और अप्रैल के महीने में भी प्रभु की दासी ने इनके लिए लेहन प्रार्थना करी और उस दिन के बाद आज पूरे 2 महीने हो चुके हैं वो दुष्ट आत्मा से पूरी रीति से आज़ाद हैं। अब कहीं बेहोश नहीं होते, कोई गुस्सा नहीं आता, कोई बच्चों को नहीं मारते, सारी दवाइयां छूट चुकी हैं। इनका नाम गुलाब होती है। ये 2022 की गवाही है हमारे जीवन की, जो प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया। 2022 में इनको प्रेगनेंसी हुई। जब इनको प्रेगनेंसी हुई तो कुछ से 1-2 महीने तक तो ठीक रही है, उसके बाद इनको पेन होने लगा और पेन होने के साथ साथ ब्लीडिंग होने लगी। और इनका अल्ट्रासाउंड वगैरह किया तो उन्होंने बताया कि इनको मूलर प्रेगनेंसी है, जिनको अंगूर की गुच्छे वाली प्रेगनेंसी कहते हैं, यानी जो बच्चा होता है वो अंगूर की गुच्छों की तरह होता है एकदम उसमें, और उसके अंदर जड़ें भी होती हैं, तो इसका आबोसन कराना पड़ेगा। तो उन्होंने मेरे को भेज दिया रेनबो हॉस्पिटल में, पानीपत में। जब रेनबो हॉस्पिटल में मैं गया तो इनका ऑपरेशन कराया वहाँ पर। एक बार ऑपरेशन हुआ तो हमने सोचा शायद सब कुछ ठीक हो गया होगा, तो उससे कुछ समझ नहीं आया। दोबारा इनका फिर ऑपरेशन हुआ। जब दूसरे बार ऑपरेशन हुआ तो उससे भी कुछ समझ नहीं आया। फिर इनकी तबीयत हद से ज़्यादा बिगड़ने लगी। जब इनकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगी और उसमें मांस के टुकड़े भी आने लगे, फिर बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ गई। उन्होंने डॉक्टर ने हमें जवाब दे दिया, उन्होंने बोला हमारे बस का नहीं है। जो हमारी बहन अम्बाले में ब्याह रखी है उसने बताया, उन्हें कहा आप इसे चंगेरा चर्च लेके चले जाओ, जबकि हमें यहाँ के बारे में पता नहीं था। उन्हें कहा चंगेरा चर्च लेके चले जाओ, वहाँ बहुत से लोग चंगे होते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, यहाँ तक मुर्दे भी जिंदे हो जाते हैं। अगर आप वहाँ लेके जाओगे तो इसे जरूर प्रभु छुएगा। जहाँ सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहाँ खुदा का दरवाज़ा खुला रहता है। हम उसी टाइम इसे चर्च में लेके यहाँ चंगेरा चर्च में आ गए 2022 में। और जैसे मम्मा जी ने इनके ऊपर हाथ रख के प्रेयर किया, इन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे शरीर से कुछ एकदम निकल के गया। लास्ट में जब जो मांस का टुकड़ा फंस रहा था वो मम्मा जी की प्रार्थना करने से उसके कल ही वो मांस का टुकड़ा निकल गया। तो प्रभु ने हमें बेटा नॉर्मल तरीके से दिया, बेटा भी ठीक ठाक है और जो मेरी वाइफ जो मेरे साथ बैठी है भी ठीक ठाक है। प्रभु ने नॉर्मल तरीके से सब कुछ ठीक किया। तो ये देख सकते हो मेरा बेटा इनोस, जिसको प्रभु ने हमें दान में दिया। मैं बताना चाहती हूँ कि मैं 5 साल से गलत संगति में थी, व्यभिचार में थी और स्कूल में मैं गलत संगति में पड़ गई थी
और वहाँ से मतलब मेरी गलत संगति शुरू हो गई थी। तब मुझे नहीं पता था कि ये सब मेरी लाइफ में इतना ज़्यादा हो जाएगा कि मैं मरने तक को भी जाऊंगी इन सब चीज़ों में। पापा मुझे चर्च लेके आए, मेरी फैमिली चर्च लेके आई, और जब मैंने यहाँ पे वचन सुना कि ये सब गलत है, ये पाप होता है, तो मैंने प्रभु से प्रेयर करना शुरू किया, उपवास किया कि प्रभु मुझे इन सब चीज़ों से आज़ाद कर। 24 दिसंबर 2023 को जब मम्मा अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग थी, तो मम्मा ने मेरे लिए प्रेयर की। सचमुच प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे इस पाप से निकाला। नाम किरणदीप है, मैं गांव बिहार माजरा से हूँ। मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था 6 अप्रैल को। मेरा बेटा दफ्पर से आ रहा था साइकिल पे, आगे से ईंट वाली गड्डी डंपर भी आ रहा था। उसने पहले वाले टायर से पुश करके पिछले वाला टायर मेरे बेटे की बाजू पे चढ़ गया। जब बेटे को इतनी चोट आई, थर्सडे को हम मीटिंग में आए और अपोस्टल जी ने मेरे बेटे के लिए प्रेयर की, ऑयल लगा के मेरे बेटे के लिए। मैं नेक्स्ट डे आई संडे को, तो मेरा बेटा चल के पैरों से चल के चर्च के अंदर आया। जब मैं बेटे को आगे लेके गई, तो मम्मा ने मेरे बेटे के लिए बोला कि ये बेटा हील हो चुके है, चंगा हो चुके है। चिंता ना कर, ये हील है पूरी तरह से। आमीन। ये पूरी तरह से हील है। मैं घोषणा करी थी, सारा बोझ मेरे मन से चला गया और मैं एक बड़ी शांति से भर गई। इस बड़ी गुवाही के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ।